रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मालकिन, अरे ओ मालकिन, सुनाई नहीं देता इनको, बहरी हो गई है का शायद। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो इतना? गले को कम फाड़ा करो ताकि उसको भी लगे कि मैं इंसान के अंदर हूँ। ये सब छोड़ो आप, पहले मुझे ये बताओ चाय पत्ती किसने और क्यों बदला? मुझसे पूछा भी नहीं और ना ही कोई इन्फॉर्मेशन दिया चाय पत्ती बदलने से पहले। बोलना क्या चाहती हो, अब तुमसे पूछकर चाय पत्ती बदलूं? वाह, देखो मालकिन, साफ साफ बात है मेरी, चाय पत्ती किसने बदली? मैंने बदली, क्यों, क्या हो गया? क्या हो गया, मेरी पूरी जिंदगी का सुकून चला गया, दिल की तसल्ली थी वो चाय की पत्ती। बहुत महंगी आती थी वो चाय पत्ती, इतनी महंगी चाय नहीं पी सकते। वार्निंग है, ठीक से सुन लो, जिंदगी का सुकून चला गया, दिल की तसल्ली थी वो चाय की पत्ती, और शाम तक ना आई वो चाय की पत्ती, फिर समझ लो आपके घर से छुट्टी। ब्रेक ब्रेक, शाम तक आ जाएगी तुम्हारी चाय पत्ती। कमला बहुत ही डिमांडिंग नौकरानी थी, कमला के नखरे, बाप रे बाप। कमला अपना काम बहुत साफ तरीके से करती थी, लेकिन वो बहुत काम चोरी भी किया करती थी। कमला की खास बात तो वो थी कि वो भरोसेमंद थी, उसे बहस लड़ना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन कमला की डिमांड से पायल और क्षितिज दोनों बहुत परेशान हो गए थे। एक रोज की बात है, जब कमला रसोई में खाना बना रही होती है, तभी क्षितिज और पायल खाना टेबल पर लगाने को कहते हैं। कमला दीदी, खाना लगा दो, बहुत भूख लगी है, पेट में तो चूहे तांडव कर रहे हैं। भैया, आज स्पेशल खाना बनाया है मैंने, आप लोगों को मजा आ जाएगा खाना खाकर, उंगलियां चाटते रह जाएंगे आप लोग। अच्छा, वो तो खाना खाने के बाद ही पता चलेगा कि उंगलियां चाटते हैं या नहीं, खाना लगाओ अब। तभी कमला खाना टेबल पर लगा देती है और तभी क्षितिज खाना देखकर कमला को बुलाता है। कमला दीदी, कमला दीदी। हाँ भैया, क्या हुआ? कमला दीदी, ये क्या है, क्या बनाया है आपने, बताना जरा। अरे भैया, ये तो मैंने बनाई है दाल। अच्छा, तो घर में स्विमिंग कॉस्ट्यूम है क्या? क्या मजाक कर रहे हो भैया, मैं कहाँ से लेकर आऊँ ये कॉस्ट्यूम वगैरह? शिट, अगर होती ना तो मैं पानी जैसे दाल में तैर कर दाल ढूंढता और शायद मिल भी जाती। और ये क्या है कमला दीदी, जरा बताने की कोशिश करेंगे? हाँ क्यों नहीं, ये मैंने खोया पनीर बनाया है। तो पनीर कहाँ है इसमें? मालकिन, आप भी ना समझती नहीं हो, इसमें पनीर नहीं है, तभी तो खोया पनीर नाम है सब्जी का। कमला के पास क्षितिज और पायल के सवालों का जवाब रहता था। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक रोज पायल और क्षितिज बैठकर कमला के बारे में बात कर रहे होते हैं। क्षितिज, आपको पता है काम वालों के कितने नखरे बढ़ गए हैं। अच्छा, लेकिन हुआ क्या, और अपनी काम वाली तो सही है ना? उसी की बात कर रही हूँ, कितने नखरे हो गए हैं, एक काम बताओ तो 100 बहाने बना देती है मुझे। बहुत काम चोर हो गई है कमला, मुझे लगता है अब हमें नौकरानी बदल लेनी चाहिए, आप क्या बोलते हो? अरे एक मौका दे देते हैं, फिर सोचते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, और वैसे भी अभी दूसरी नौकरानी कहाँ से मिलेगी, उसके लिए तो टाइम लगेगा ना। क्षितिज जी, समझा करो, बहुत ज्यादा डिमांड करने लगी है, अब मुझसे नहीं झेले जाते कमला दीदी के रोज रोज नखरे, कल जब आएगी आप खुद उनसे काम करवा लेना, ठीक? इतनी भी बड़ी बात नहीं है जो तुम ऐसे बात कर रही हो, तुम चिल करो यार, मैं संभालूंगा सब कुछ। अब कल पता चलेगा इनको कमला दीदी से काम करवाने कितना मुश्किल है। थोड़ी देर बाद दोनों सोने चले जाते हैं। ऐसे ही अगली सुबह जब कमला क्षितिज और पायल के घर में झाड़ू लगा रही होती है, तभी क्षितिज वहाँ आकर कमला को काम बताने लगता है। कमला दीदी, कमला दीदी, अरे यहाँ देखो, यहाँ आपने झाड़ू सही से नहीं लगाया, ये तो गलत बात है ना, थोड़ा दबा के लगाओ, अरे दबाओ दबाओ, अरे दबा के लगाओ, ताकि घर का सारा कचरा बाहर हो जाए। ठीक है भैया, आप बैठो, मैं लगा देती हूँ, और आप ऐसे इधर उधर मत घुमा करो, फिर घर में झाड़ू लगाने का कोई फायदा नहीं है। अच्छा जी, तो एक काम करता हूँ, मैं फिर उधर बैठता हूँ, और आपका जब झाड़ू लगाना हो जाए ना तो मुझे बता देना, ठीक है? हो गया भैया झाड़ू। क्या, अभी तो तुमने झाड़ू उठाया, लगाना स्टार्ट किया, और इतनी जल्दी हो भी किया, वेरी फास्ट कमला दीदी, बहुत अच्छे। आप सुनो, आपके लिए ना और एक काम है। अच्छा, कौन सा काम है भैया? कपड़े धोने के लिए निकाल के रख दिया है, आप ना उसे धुल देना, फिर मैं दूसरा काम बताता हूँ, ठीक है? चलिए फटाफट से शुरू हो जाइए, आज बहुत काम है, डोंट वेस्ट योर टाइम कमला दीदी। अरे भैया, मैंने वो कपड़े बहुत पहले धुल के सूखने को भी डाल दिए थे, आप दूसरा काम बताओ कौन सा करना है। दूसरा काम, अरे दूसरा काम पता है क्या है,
वही काम करना है आपको दोबारा से, क्योंकि आप जब भी कपड़े धोती हो ना तो कपड़े गंदे छोड़ देती हो, इसलिए ना आपको दोबारा से कपड़े धोने हैं। ठीक है, तो शुरू हो जाइए। क्षितिज ने कमला को दोबारा कपड़े धुलने को कहा। इसी बात को कमला पायल को बताने उसके पास पहुंच जाती है, उसके कमरे में जहां वो रेस्ट कर रही होती है। मालकिन मालकिन, क्या हुआ? रेस्ट कर रही हूँ ना मैं, आज एक दिन तो खुद से काम कर लो। मैं खुद ही काम करना चाहती हूँ, लेकिन आपके पति यानी क्षितिज भैया कोई काम मेरे हिसाब से मुझे करने ही नहीं देते हैं। धुले हुए कपड़े फिर से धुलवाने को बोल रहे हैं और घर में झाड़ू दवा दवा कर लगाने के लिए बोल रहे हैं। इतना किचकिच मुझे नहीं पसंद है। आपका घर है, आप ही संभालो, मैं तो जा रही हूँ। अरे ऐसे कैसे चली जाओगी, घर का पूरा काम बिखरा हुआ है। नहीं, पहले आप भैया को एक जगह बैठने को कहो, वरना मुझसे काम नहीं होगा। ठीक है, जाओ भैया को बुला कर ले आओ, मैं उन्हें समझाती हूँ, तुम आराम से काम करो। नहीं, मैं नहीं बुलाऊंगी उनको, आप ही बुला लो। कमला इतना बोलकर पैर पटकते हुए वहाँ से चली जाती है और पायल क्षितिज को बुलाती है और फिर उससे बात करती है। देखिए क्षितिज, कुछ वक्त और हम दूसरी नौकरानी ढूंढ लेंगे, तब तक आप शांत रहो। अरे मेरी भोली पत्नी, मैं ये सब कुछ कमला दीदी को यहाँ से भगाने के लिए कर रहा था, लेकिन तुमने तो मेरा पूरा खेल खराब कर दिया। तुम्हें पता है मुझे नौकरानी मिल गई है, वो भी बिना डिमांड वाली, और पगार भी कम लेगी, और कमला दीदी की तरह ना नखरे भी नहीं है उसके। हाँ हो, अगर अभी कमला दीदी चली जाती तो पूरे घर का काम कौन करता? मैं और तुम, और कौन करता? मुझसे नहीं होगा आज काम। अरे मेरी जान, मैंने अभी तो कहा था ना तुम्हें कि मैंने नई नौकरानी देख ली है और वही आकर सारा काम करती। तुम टेंशन क्यों लेती हो यार, तुम ना बस रिलैक्स करो, ओके? क्षितिज और पायल की सारी बातें कमला दीवार के पीछे से सुन लेती है और उदास हो जाती है और फिर मन ही मन सोचने लग जाती है। ढूंढ लो, लेकिन किसी दिन कमला के पास आना ही पड़ेगा। कमला इतना सोच कर वहाँ से बिना कुछ बोले चली जाती है और फिर पायल देखती है कमला पूरे घर में कहीं नहीं है और घर का सारा काम भी हो गया था। ऐसे ही दूसरे दिन क्षितिज नई नौकरानी विमला को लेकर आता है और उसे काम समझाने लगता है और विमला घर का काम करने लगती है। तभी पायल क्षितिज को बोलती है, वाह क्षितिज जी, क्या बात है, कल कमला गई और आज विमला को ले आए, वेरी फास्ट। हाँ क्या करूँ, तुम्हारा पति है ही बहुत समझदार, अब कल क्या होगा, तुम्हारे पति को ना सब कुछ पहले से ही पता है। बस बस, खुद की तारीफ बहुत कर ली आपने, अब कुछ काम की बातें करें। विमला का पगार कितने में फाइनल किया है आपने? कमला दीदी को ना जितना देते थे ना बस उतना ही देंगे। दोनों के बीच बात हो ही रही थी तभी विमला टेबल साफ करने के बहाने से टेबल में रखी घड़ी उठा लेती है और छुपा लेती है। विमला काम तो अच्छा करती थी लेकिन उसे चोरी करने की बहुत बुरी आदत थी। ऐसे ही आए दिन घर से कुछ न कुछ चीजें गायब हुआ करती थी और पायल हैरान रहती। और ऐसे ही एक दिन पायल विमला को पूछती है, विमला दीदी, आपने मेरी सोने की अंगूठी कहीं देखी है क्या, जो मैंने शीशे के सामने एक कटोरी में रखी थी, मुझे वो कहीं नहीं मिल रही है। अरे नाना दीदी, मुझे नहीं मालूम, मैंने नहीं देखा आपका कोई भी सामान। सोने की अंगूठी, ओहो बहुत पैसे मिलेंगे अगर इसको बेच दूंगी तो। एक बार घड़ी बेच कर ज्यादा पैसे नहीं मिले थे, इस बार पूरा हिसाब बराबर कर दूंगी। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, बस सोच रही थी कि आपकी अंगूठी गई तो गई कहाँ। मैं सोच रही हूँ कि कहाँ जा सकती है, कहीं आपकी पहली वाली नौकरानी ही तो नहीं ले गई, मुझे तो उसी पर शक है। पायल बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। कमला के पास जाकर उसे सारा सच बताती है कि उसके जाने के बाद जो नौकरानी उसके घर काम करने आई थी वो बहुत चोरियां कर रही थी और तुम वापस आ जाओ ये अब कमला से कहती है। और फिर कमला पहले की तरह पायल और क्षितिज के घर में काम करने जाती है। कमला अब भी अपनी मर्जी से ही काम करती है। विनय के घर में उसकी पत्नी अवनी की अचानक मौत हो जाने पर मातम छाया हुआ था। सभी सफेद कपड़ों में सामने माला जड़ी अवनी की तस्वीर के सामने फूल रखते हुए उसे आखिरी श्रद्धांजलि दे रहे थे कि तभी एक पड़ोसन अवनी की सास सुरेखा से कहती है, सुरेखा बहन, तेरी जवान बहू अब इस दुनिया में नहीं रही, ये सब अचानक कैसे हो गया? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा बहन, मुझ बदनसीब सास को तो अपनी मरी हुई बहू की लाश देखना भी नसीब नहीं हुआ। मेरी आपसे प्रार्थना है
कि आप लोग मेरी पत्नी की आत्मा की शांति के लिए दिल से प्रार्थना करें। हे भगवान, मेरी बहू की जगह काश तूने मुझे उठा लिया होता। क्यों इतना बड़ा दुख दे दिया? संभालो अपने आप को सुरेखा बहन। हाँ सासू माँ, संभालो खुद को, अभी तो और दुख झेलने हैं आपको। आवाज सुनते ही सभी लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो सामने सर पर पट्टी बांधे, चेहरे पर दाग वाले चेहरे की अवनी खड़ी थी, जिसकी मौत की शोक सभा में सभी लोग आए थे। सभी उसे देखकर दंग रह जाते हैं। वहीं अवनी की सास और पति विनय की आंखें जिंदा अवनी को खुद के सामने खड़ी देखकर फटी की फटी रह जाती हैं। सुरेखा तो हैरानी के कारण जमीन पर गिर पड़ती है। आखिर कैसे मरी हुई अवनी अब जिंदा हो गई थी, और क्यों उसकी मौत पर आंसू बहाने वाले उसके पति और सास उसे देखकर खुश होने के जगह हैरान थे। जानने के लिए चलते हैं कुछ महीने पीछे। अवनी एक चुलबुली लड़की थी जिसे उसके माँ बाप ने बहुत नाजों से पाला पोसा था। वो अपने कॉलेज में पढ़ने वाले विनय को सबसे अच्छा दोस्त मानती थी। वो उसके घर आया जाया भी करती थी, क्योंकि विनय का चचेरा भाई राजीव विनय के साथ ही रहा करता था और अवनी उसे पसंद करती थी। विनय को नौकरी अवनी के पापा की मदद से ही मिली थी। सब ठीक चल रहा था। अवनी का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उसकी जान तो बच जाती है, लेकिन उसके चेहरे पर चोट के कारण गहरा सा निशान बन जाता है। एक रोज विनय अवनी से मिलने उसके घर जाता है तो अवनी का चेहरा देखकर उसे अजीब लगता है। क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? वो देख रहा हूँ कि कितनी पतली हो गई हो तुम, कुछ खा पी लिया करो। तुम तो रहने ही दो, किस खुशी में खाऊं पीऊं? एक्सीडेंट के चलते ये दाग बन गया है चेहरे पर। अब पता नहीं तुम्हारा भाई मुझे पसंद करेगा या नहीं। एक दाग होने से तुम बदल थोड़ी जाओगी, और पसंद करेगा क्या, वो भी तुम्हें चाहता है, लेकिन वो सोचता है कि तुम इतनी अमीर घर की हो, ऊपर से मेरी नौकरी भी तुमने अपने पापा की कंपनी में लगवाई, तो वो ये सोचता है कि अगर उसने अब तुमसे अपने दिल की बात कही तो तुम्हें ये ना लगे कि वो किसी लालच में तुमसे ये कह रहा है। ओहो, मैं क्यों समझूंगी ऐसा, मेरे लिए तो इतना ही काफी है कि वो मुझे पसंद करता है, वो भी इसी चेहरे के साथ। दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी अवनी के पापा उनकी सारी बातें सुन लेते हैं और अपनी बेटी की खुशी के लिए राजीव का रिश्ता मांगने उसके घर जाने को राजी हो जाते हैं। मेरी बेटी खुश रहे, और मुझे क्या चाहिए, और फिर मुझे भी तो अपनी कंपनी संभालने के लिए राजीव जैसा होनहार दामाद मिल जाएगा। विनय, मैं तुम्हारे घर वालों से बात करने जल्दी ही आऊँगा। जी अंकल जी, बिल्कुल। मतलब राजीव बैठे बिठाए एक शादी करके इतनी बड़ी कंपनी का मालिक हो जाएगा। समय बीतता है, अवनी के पापा राजीव और अवनी के रिश्ते की बात कर शादी की तारीख तय करते हैं, और एक महीने में ही दोनों की शादी का शुभ दिन आता है। सहरा लगाए राजीव अवनी के घर बारात लेकर आता है। मंडप में शादी की विधियां चल रही थी कि तभी इधर उधर विनय को देखते हुए अवनी सहरा पहने राजीव से कहती है, अरे राजीव, ये विनय कहाँ रह गया, ना बारात में दिखा ना शादी के समय, आया भी है या नहीं? राजीव उसकी बात का जवाब देने की जगह अपने सहरे को ठीक करने लगता है ताकि उसका चेहरा किसी को दिखाई ना दे। इससे पहले कि अवनी कुछ और पूछ पाती, फेरों का मुहूर्त हो जाता है। कुछ ही देर में फेरे होने के साथ ही शादी संपन्न होती है और अवनी अपने ससुराल में गृह प्रवेश करती है। कमरे में जाते ही वो राजीव से कहती है, ओहो, ससुराल में भी आ गई, दूल्हे राजा अभी चेहरा तो दिखाओ और जल्दी ये बताओ कि विनय कहाँ लापता है भाई। अवनी के इतना कहने पर जब वो अपना सहरा उतारता है तो उसका चेहरा देखकर अवनी हैरान रह जाती है और अचानक से बेड पर बैठ जाती है, क्योंकि सहरे में राजीव नहीं विनय था। उसे देखकर अवनी घबरा कर कहती है, विनय तुम? हाँ अवनी, तुम्हारी शादी मुझसे हुई है, ना कि मेरे चचेरे भाई राजीव से। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये धोखा है, धोखा, ये शादी एक धोखा है। राजीव कहाँ है, मुझे उससे बात करनी है, बुलाओ राजीव को। राजीव, राजीव। राजीव आज सुबह ही चला गया, मैंने उसे बहुत रोकने की कोशिश की, मैंने उसे कहा भी कि अगर तुझे इस तरह से जाना था तो तूने शादी के लिए हाँ ही क्यों की, लेकिन उसने कहा कि वो तुम्हारे पापा को मना नहीं कर पाया,
लेकिन वो अपनी जिंदगी एक चेहरे पर दाग वाली लड़की के साथ नहीं बिता सकता। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुमने तो कहा था कि उसे मेरे चेहरे के दाग से कोई दिक्कत नहीं है, और फिर मैंने भी तो उससे बात की थी, तो फिर? मुझे भी यही लगा था, पर उसने सब झूठ बोला और सुबह अपने कमरे में एक लेटर छोड़कर यहाँ से चला गया। अब शादी के दिन मैं तुम्हें क्या कहता? अगर शादी नहीं होती तो तुम्हारे पापा की बदनामी होती और तुम्हें ठेस पहुँचती, इसीलिए राजीव की जगह बारात का दूल्हा मैं बना। धोखा, सब धोखा है, इसीलिए तुमने अपना चेहरा छुपाया, मंडप में मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। धोखा है ये शादी, नहीं मानती मैं इसे। देख बहू, मेरे बेटे ने दोनों परिवारों की भलाई के लिए ये शादी की, फिर भी तुझे लगता है कि तेरे साथ धोखा हुआ है तो तू जो मर्जी में आए वो कर सकती है, हमें मंजूर होगा। अवनी को कुछ समझ में नहीं आता कि उसके साथ ये हो क्या रहा है, लेकिन वो विनय की बात को समझते हुए अपनी किस्मत और इस धोखे की शादी को स्वीकार करती है। समय बीतता है और अवनी का पति होने के नाते उसके पापा अपनी कंपनी की सारी जिम्मेदारियां उसे सौंपते हैं, जिसके कारण अब वो कंपनी का मालिक बन जाता है। एक रोज विनय घर आता है, तभी अवनी उसके लिए पानी लेकर आती है, और उसके करीब आती है तो उसका चेहरे के दाग को देखकर वो उसे दूर करते हुए कहता है, क्या कर रही हो? थका हारा आया हूँ, ऐसे चिपकने की क्या जरूरत है? मैं तो आपको बस प्यार से गाल पर किस करना चाह रही थी, इसमें इतनी? देखो, मुझे तुम्हारा यूँ करीब आना पसंद नहीं, और अभी मुझे माँ से कुछ जरूरी बात करनी है, तो साइड हटो। तभी वो उसे साइड करते हुए कमरे में चला जाता है, जहाँ वो अपनी माँ को लड़की की फोटो दिखाते हुए कहता है, माँ मुझे ये लड़की पसंद है, अब मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। तू नलायक का नलायक ही रहेगा, अरे इतना सब कुछ किया है, अभी थोड़ा सब्र कर ले, और एक बार इस दाग वाले से छुटकारा पाने का आसान रास्ता मिल जाए तो जो जी में आए करियो। पता नहीं कब तक इसे झेलना होगा, इसे देखकर ही मुझे अजीब लगता है, वो तो इसके पापा की कंपनी का मालिक बनना था, इसीलिए राजीव को जैसे तैसे यहाँ से रवाना किया और इसके सामने अच्छा बना, पर अब और नहीं सह सकता मैं इसे। दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी कांच के टूटने की आवाज आती है, तो दोनों मुड़कर देखते हैं कि दरवाजे पर अवनी खड़ी है और उसके हाथ से गिरकर ही ट्रे टूटकर गिरी है। वो समझ जाते हैं कि अवनी ने सब बातें सुन ली है। इससे पहले कि विनय अवनी को कुछ समझाता, अवनी गुस्से में पास में रखा फूलदान उसकी तरफ फेंकती है और भागती है। विनय खुद को बचाते हुए अवनी के पीछे दौड़ता है और हॉल में पड़ा फूलदान उठाकर भागती अवनी के सर पर दे मारता है। सर पर फूलदान लगते ही अवनी फर्श पर गिर जाती है और उसके सर से बहुत खून बहने लगता है। उसे मरा हुआ समझकर माँ बेटे उसे दूर सुनसान सड़क के किनारे ले जाकर फेंक आते हैं, और नदी में डूब जाने के कारण उसकी मौत हो गई है और लाश नहीं मिली है, ये बात उसके पापा को बताते हैं। साथ ही घर में उसकी शोक सभा भी रखते हैं। अरे सुरेखा, तेरी बहू तो जिंदा है, देख। नहीं न, 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 नहीं, ये इसका भूत है, ये जिंदा नहीं हो सकती। विनय, विनय, इसे तो तूने मार दिया था ना। चलो, सच तो निकला आपके मुंह से, मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करके आपको चैन नहीं मिला, तो सच्चाई जानने पर जान से मारने की कोशिश भी की। तुम जिंदा नहीं? नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं जिंदा हूँ, मेरे सर से खून बहने के बाद भी मेरी सांसें चल रही थी, तुम्हारे सड़क पर फेंक देने के बाद वहाँ से गुजरी पुलिस वैन ने मुझे हॉस्पिटल पहुँचाया, पापा को बताया, पूरे दो दिन बेहोश रही, मुझे तो मार नहीं पाए तुम, लेकिन अब तुम दोनों जीते जी मरोगे, वो भी जेल में। तभी अवनी के पापा पुलिस के साथ वहाँ आते हैं और पुलिस विनय और उसकी माँ को धोखाधड़ी और अवनी को मारने के जुर्म में हथकड़ी लगा कर वहाँ से ले जाती है। मजनू लाल एक बहुत ही बिंदास और खुले विचारों वाला आदमी था, लेकिन उसका ये स्वभाव उसकी पत्नी सुरीली को बिल्कुल पसंद नहीं था। वो जब भी अपने पति को किसी और औरत से बात करता देखती तो उस पर शक शुरू कर देती, क्योंकि मजनू दिखने में बहुत हैंडसम था, वहीं सुरीली कोयले से भी ज्यादा काली, जिसके चलते वो बुढ़ापे में भी उस पर शक करना नहीं छोड़ती। ऐसे ही एक दिन सुबह के समय मजनू लाल अपनी सोसाइटी के पार्क में टहलने के लिए निकलता है और अपनी पड़ोसन माला को देखकर कहता है, क्या बात है माला जी, आज तो बड़े दिन बाद दिखाई दे रही हैं। कहाँ छुपा रखा था इस चांद से चेहरे को? मजनू लाल जी, इस पूरी सोसाइटी में एक आप ही हो जिन्हें मेरा ख्याल रहता है।
क्या करूँ, मेरा तो दिल ही ऐसा है, मुझे तो सबका ख्याल रहता है। बताइए कहाँ थी आप इतने दिनों तक? मैं अपने दूसरे बेटे के घर गई थी, अभी कल ही वापस आई हूँ। सुरीली बहन नहीं दिख रही, कहाँ है वो? उसे घर और अपनी बहुओं से फुर्सती कहाँ है, घर पर ही है। चलिए फिर आज मैं आपको चाय पिलाती हूँ। नेकी और पूछ चलिए। मजनू लाल इतना कहकर जैसे ही माला के साथ उसके घर की ओर कदम बढ़ाता है, तभी उसकी पत्नी सुरीली वहाँ आकर कहती है, कहाँ जा रहे हैं आप पतिदेव, अपने घर का रास्ता भूल गए क्या? कैसी बातें कर रही हो सुरीली, मैं भरा अपने घर का रास्ता कैसे भूल सकता हूँ। मैं तो बस माला जी के यहाँ चाय पीने जा रहा था। हाँ सुरीली बहन, मैंने भी भाई साहब को कहा चलिए चाय पीने के लिए। नहीं माला बहन, इतना कष्ट करने की जरूरत नहीं है, इनकी पत्नी अभी जिंदा है और तीन तीन भौए भी हैं जो इन्हें चाय बनाकर पिला सकती हैं। बुरा मत मानना सुरीली बहन, लेकिन तेरी उम्र भले ही हो गई हो, लेकिन शक तू अपने पति पर आज भी नई नवेली दुल्हन की तरह ही करती है। क्या करूं, जब आसपास के लोगों की नजरें ही ठीक ना हो तो? इसमें गलती नजरों की है, सोच की नहीं। लेकिन सोच छोटी हो तो इसमें तेरी भी कोई गलती नहीं, अब तेरा पति तुझसे ज्यादा सुंदर है तो शक तो होगा ही। माला सुरीली को सुनाकर घर चली जाती है, जिस पर सुरीली गुस्से में अपने पति का हाथ पकड़कर उसे घर लाकर कहती है, देखिए मैंने आपसे पहले ही कहा है, आप ज्यादा सोसाइटी की औरतों से बातें मत किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम इतना भी गुस्सा क्यों हो रही हो, मैं तो बस माला जी से हालचाल पूछ रहा था, अब इस उम्र में तुम्हारा इतना शक करना मुझ पे अच्छा नहीं लगता है। तो फिर ऐसा काम भी मत किया करो कि मुझे आप पर शक करना पड़े, दूर रहिए औरतों से। हद है यार, अब तुम्हें क्या लगता है मैं बुढ़ापे में किसी को लेकर भाग जाऊंगा? सुरीली और मजनू आपस में बहस कर रहे थे कि तभी उसकी तीनों बहुएं, बड़ी बहू मीनाक्षी, छोटी बहू रीशु और तीसरी बहू पायल, चाय नाश्ता लेकर उनके पास आती है, जिन्हें देखकर सुरीली चुप हो जाती है और वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद तीनों बहुएं बोलती हैं, क्या हुआ ससुर जी? कुछ नहीं, दिन प्रतिदिन तुम्हारी सास का दिमाग खराब होता जा रहा है, जैसे ही मुझे किसी औरत के साथ देखती है मुझ पे शक करने लगती है, जैसे मेरा उसका चक्कर चल रहा है। ससुर जी अब गुस्सा मत करिए, आप तो माँ जी के स्वभाव को जानते ही हैं, वो आपको लेकर किसी औरत पर भरोसा नहीं करती हैं। बहू वही तो मुझे समझ नहीं आता कि जिसके साथ मैंने अपनी पूरी उम्र काट ली उसे मुझ पे भरोसा नहीं है। अच्छा आप दुखी मत होइए, हम सासू माँ से भी बात करेंगे इस बारे में, आप चाय पी लीजिए वरना ठंडी हो जाएगी। हाँ ससुर जी, जेठानी जी सही कह रही हैं, आप खामखा ही अपना मूड खराब कर रहे हैं। हाँ ससुर जी, हम तो चाय नाश्ता लेकर बड़ी खुशी खुशी आपके पास आए थे ये पूछने के लिए कि आप इस बार माँ जी को अपनी एनिवर्सरी पर क्या गिफ्ट देंगे। काहे की एनिवर्सरी बहू, देख नहीं रही अपनी सास का मुंह? पता नहीं इसके माँ बाप ने इसका नाम क्या सोच कर सुरीली रख दिया, इसके मुंह पर तो प्यार का एक बोल भी सुनाई नहीं देता है मुझे। ससुर जी अभी एनिवर्सरी में एक हफ्ते का समय है, तब तक आप किसी औरत से बात मत करना, उनका मूड खुद ही ठीक हो जाएगा। हाँ ससुर जी, ये बात तो जेठानी जी ने बिल्कुल सही कही, बस एक हफ्ता संभाल लो आप ये माँ जी का शक। अच्छा ठीक है, फिर तुम लोग एक अच्छी सी पार्टी की तैयारी करना शुरू कर दो, जिसे सुरीली देख कर दंग रह जाए और खुश हो जाए, सब कुछ उसी की पसंद का होना चाहिए। इसलिए बड़ी बहू तुम खाना का देख लो, और छोटी बहू तुम कपड़ों का देख लो, और पायल बहू तुम घर की सजावट को देख लो। जी ससुर जी। तीनों बहुएं अपने ससुर से बातें करते हुए हंसी मजाक कर रही थी, तभी सुरीली वहां आती है और अपनी बहुओं को अपने ससुर के साथ बिना पल्लू किए बातें करता देखकर उन्हें खूब सुनाती है, जिसके बाद तीनों वहां से चली जाती हैं। ऐसे ही कुछ समय बीतता है और सुरीली की एनिवर्सरी और पास आती जाती है, जिसकी तैयारी में उसकी तीनों बहुएं लगी हुई थी। ऐसे ही एक दिन सुबह के समय मजनू लाल हॉल में बैठा न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तभी उसकी बड़ी बहू मीनाक्षी वहां आकर कहती है, ससुर जी मैंने केटरिंग वाले से बात कर ली है और उसे सारी पसंद नापसंद बता दी है, बस उसे ये पेमेंट देकर आनी है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ठीक है बहू जाओ, लेकिन जल्दी आना, कहीं तुम्हारी सास को पता ना चल जाए, वरना हमारा सारा सच बाहर आ जाएगा और सारा मजा खराब हो जाएगा। मजनू लाल और मीनाक्षी आपस में बातें कर रहे थे
कि तभी सुरीली वहाँ आती है और उनकी आधी अधूरी बात सुनकर कहती है, मुझे क्या पता नहीं लगना चाहिए, आप कुछ कह रहे हैं और तुम कहाँ जा रही हो तैयार होकर इतनी सुबह सुबह? कोई खास बात नहीं है बहू, तुम जाओ और जल्दी आना। क्या तुम भी जब देखो तो रोका टोकी करती रहती हो? मजनू लाल इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ समय बीतता है और सुरीली की एनिवर्सरी का दिन आता है, लेकिन सरप्राइज पार्टी की वजह से कोई उसे विश नहीं करता। तभी सुरीली किसी काम से अपनी छोटी बहू रीशु के कमरे में जाती है और दरवाजे पर पहुंचकर वो देखती है कि उसका पति हाथों में एक सुंदर साड़ी लिए अपनी बहू को देते हुए बोल रहा है, आज तो मैं बहुत खुश हूँ, तुमने तो मेरी दिल की इच्छा कितनी जल्दी ही पूरी कर दी। सच में ये साड़ी बहुत सुंदर लगेगी। अच्छा तुम रखो इसे अपने पास, मैं चलता हूँ वरना तुम्हारी सास देख लेगी। अपने पति का ऐसा रूप देखकर सुरीली का सर चकरा जाता है और वो चुपचाप जाकर हॉल में बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद मजनू लाल वहाँ आता है तो सुरीली उसे कहती है, कहाँ थे आप, मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रही थी। मैं छत पर था, कोई काम था क्या? शर्म नहीं आती इस आदमी को झूठ बोलते हुए और अपनी ही बहुओं के साथ चक्कर चलाते हुए, वो भी एक नहीं दो दो बहुएं। खुद की शादी की सालगिरह नहीं आती लेकिन बहुओं के साथ चक्कर चलाना याद है? नहीं कोई काम नहीं था, मैं मंदिर जा रही हूँ, शाम की आरती लेकर ही आऊँगी। हाँ जाओ जाओ, तुम चली जाओगी तो घर सजाने बहुत आसानी होगी। ठीक है जाओ और जल्दी आना। थोड़ी देर बाद सुरीली पूजा की थाल लेकर मंदिर के लिए निकलती है, जिसके बाद तीनों बहुएं मिलकर शाम की पार्टी के लिए घर को सजाने लगती है। तैयारी करते हुए टाइम अचानक बीतता है और तभी सबसे छोटी बहू पायल का पैर मुड़ जाता है। वो गिरने ही वाली थी कि मजनू लाल भागकर उसे थाम लेता है। तभी सुरीली मंदिर से लौट आती है और अपनी बहू को अपने पति की बाहों में देखकर पूजा की थाल को फेंकते हुए गुस्से में अंदर आकर कहती है, छी जैसा आपका नाम है वैसे ही आपके काम है। अभी तक तो मुझे लगता था कि आप सिर्फ बाहर ही चक्कर चलाते हैं, लेकिन आप तो तीन तीन बहुओं के साथ चक्कर चलाने वाले ससुर हैं। तुम ये क्या बकवास कर रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती मुझ पे ऐसा इल्जाम लगाते हुए? जब आपको करते हुए शर्म नहीं आई तो मुझे बोलने में कैसी शर्म? किसी बहू से चोरी से बातें करते हो, किसी को साड़ी गिफ्ट करते हो, किसी को बाहों में लेते हो, छी आज तुम्हारे सोच और शक की तो हद ही हो गई है। बहुओ इस अक्की औरत का शक दूर करो, ये मुझे तीन तीन बहुओं से चक्कर चलाने वाला ससुर बता रही है। अपने ससुर के कहने पर उसकी तीनों बहुएं अपनी सास को सारी सच्चाई बताती है, जिसे सुनने के बाद सुरीली को अपनी घटिया सोच और अपनी हरकतों पर शर्मिंदगी महसूस होती है, जिसके बाद वो सबसे माफी मांगती है, साथ ही अपने पति पर दोबारा कभी शक ना करने का फैसला करती है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।